नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं खास खबरों की ओर। क्षेत्र पंचायतें भी करा सकेंगी मनरेगा के तहत कई कार्य। मनरेगा के कामों को कराने का अधिकार प्रदेश सरकार क्षेत्र पंचायतों को भी देने जा रही है। यह सुनकर क्षेत्र पंचायतों के चेहरों पर रौनक आ गई। क्षेत्र पंचायत खुशी से हुए बहाल। आपको बता दें कि ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी और कहा कि क्षेत्र पंचायतों को अधिकार देने वाला यूपी पहला राज्य है। ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने कहा कि इस फैसले से ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायतों के बीच प्रतिस्पर्धा का माहौल बनेगा। क्षेत्र पंचायतों को मनरेगा से जोड़ने वाली यूपी देश का पहला राज्य होगा। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से बातचीत की जा रही है। प्रतापगढ़ से लाइव टीवी एक्सप्रेस से संवाददाता रियासत अली की रिपोर्ट। जय बीडीसी, मैं नवनीत शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप मनरेगा में आप सभी 88,800 बीडीसी के लिए आज काम देने के लिए अनाउंसमेंट किया है। आप सबको मनरेगा में काम मिलेगा, ऐसा हमारे माननीय मोती सिंह जो हमारे ग्राम विकास मंत्री हैं, जिनको हमने 26 अक्टूबर 2021 को ज्ञापन दिया था इनके आवास पर आकर, आश्वासन इन्होंने दिया था, आज उन्होंने उसे पूरा किया है। हम सभी 88,800 बीडीसी सभी पदाधिकारियों को बधाई देते हैं, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। संघर्ष जारी रखिए, जब तक मानदेय विकास दे नहीं तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसी प्रकार हम सफल होते रहेंगे। जय हिंद, जय बीडीसी। अब की बार बीडीसी की सरकार, तब तक लड़ेंगे जब तक नहीं मिल जाते हमारे अधिकार। जय हिंद, जय बीडीसी। मैं नवनीत शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष, संस्थापक विजय वस्ती दादा, संरक्षक हमारे यादव दादा और प्रांतीय हमारे भाई लखनऊ के महामंत्री सुजीत यादव जी का बहुत अच्छा सहयोग है। आज हम लोग मोती सिंह जी के आवास पर हैं और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं। आप लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय बीडीसी, बीडीसी।